बेटा नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का बेसिकली आपका रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज का टॉपिक आया था लेकिन उससे उससे पहले बेटा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं क्या होता है बेटा द रेशियज बिटवीन एनी ऑफ इट्स टू साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइ एंगल आर कॉल्टिक नोमेट्रिक रेशस आपकी बुक में बेटा डेफिनेशन ऐसे नहीं दी हुई आप यहाँ से नोट कर लो आपने बेटा यही लिखनी है बेसिकली साइड बॉक्स इन्फॉर्मेशन है जिसको थोड़ा सा एलेबरेट करना जरूरी है इसको जरा गौर से समझें होता है क्या सबसे पहले एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी जिसके अंदर एक एंगल जो है वो नाइन्टी डिग्री का हो ठीक है ऐसा ट्राइंग एगल जिसका कोई एक अदर्द एंगल 90 डिग्री का हो ऐसे ट्राई एंगल को राइट एंगल ट्राई एंगल कहते हैं और राइट एंगल ट्राई एंगल की जो साइड्स होती हैं उनकी किसी भी दो साइड्स की जो रेशो होती है उस रेशो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहते हैं ठीक है द रेशोज बिटवीन एनी ऑफ इट्स टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइ एंगल अरकॉट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसी भी दो साइड्स की जो रेशो होती है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं अब इनकी जो साइड्स होती हैं तीन साइड तीन एंगल्स होते हैं और तीन साइड्स होती हैं तो उनके जो साइड्स होती हैं उनका नाम क्या होता है ऐसी लाइन ऐसी साइड जिसके ऊपर दोनों एंगल्स मौजूद हैं अब याद रखो बेटा एक तो एंगल हो गया नाइन्टी और एक कोई डेजिग्नेटेड एंगल होता है बेटा जिसकी बेस पर कैलकुलेशन की जाती हैं ठीक है थीके? अब उस वो एंगल जिस लाइन के ऊपर वो एंगल हो उस एंगल को बेटा इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको थीटा बोलते हैं उसका जीरो लगा के सेंटर में लाइन लगाते हैं ये इसको बोलते हैं बेटा थीटा टी एच डबल ई टी थीटा बोलते हैं इसको ठीक है तो बेटा ये है थीटा अब ऐसी है लाइन ऐसा साइड जिसके ऊपर 90 भी हो और थीटा भी हो उसको बेस बोलते हैं ठीक है अब ऐसी साइड जो थीटा एंगल के सामने वाली हो उसको हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं और ऐसी साइड जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली हो उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि वो जो हैं वो आ, तो हमेशा नीचे वाली लाइन को बेस कह देते हैं और हमेशा एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर कह देते हैं बेटा ऐसा नहीं है आपके बेटा डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं ज्यूम करो मेरे पास कुछ इस तरह का एक अदद एक ट्राइंगल है इसमें ये नाइन्टी है ये एंगल कोई थीटा था तो ये साइड ए है ये बी है ये सी है अब इसके मुताबिक वो लाइन जिसके ऊपर दोनों एंगल्स हैं वो बेस है मतलब ये बेस है 90 के सामने क्या होता है ये साइड पर पेंडिकुलर है थीटा के सामने क्या, थीटा के सामने क्या होता है बेटा पेपेंडिकुलर है और नाइन्टी के सामने ये है ठीक है तो इसलिए बेटा याद रखो कि 90 के सामने यहां पे मैं आपको लिख देता हूं थीटा प्लस नाइन्टी डिग्री जिसके ऊपर हो वो बेस है ऑपोजिट ऑफ थीटा थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और Opposite of 90 degree का जो एंगल है। वो हमेशा है। बेटा ये याद रख लो यही रूल होता है, बेटा, इसी आपने है। अगर बेटा कोई ऐसी कंडीशन है ठीक है 90 डिग्री तो बता दी है लेकिन उन्होंने कोई एंगल थीटा नहीं बताया तो जब तक कोई एंगल थीटा डिफाइन ना हो आप ये नहीं कह सकते कि बेस कौन सा औरपेंडिकुलर और कौन सा है। थीटा के सामने ये तो आप कह सकते हो कि हाइपोटेनियस है लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि बेस कौन सा परपेंडिकुलर प्रिपेंडिकुलर कैसे को आपको कोई ना कोई एंगल डेजिग्नेट करना पड़ेगा आप जिनको आप यहाँ पे एंगल थीटा बना देते हो तो ये बेस बन जाएगा और ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर बन जाएगा ठीक हो गया अच्छा इसी बेस इसी तरह से बेटा आपने लिखे चलना है इसको ओके अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है द रेशियो बिटवीन एनी ऑफ इट्स टू साइड्स साइड राइट एंगल ट्राइंगल इनमें से कोई भी दो साइड्स की जो रेशो होती है उसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं तो बेसिकली मोस्ट कॉमनली यूज होती है कौन कौन सी साइन को साइन और टेंजेंट एस आई एन ई बेटे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं अब इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं अब अगर प्रिपेंडिकुलर को हाइपोटेज के साथ डिवाइड प्रिपेंडिकुलर और कर दिया जाए तो उसको कहते हैं साइन थीटा ठीक है जो कि इसके मुताबिक बन रहा है परपेंडिकुलर तो क्या है बीसी ओवर ओवर ए बी तो ये ओवर बीसीटा कॉस थीटा क्या होता है जब बेस को हाइप्रोटेनिस से डिवाइड कर लिया जाए बेस क्या है एसी और हाइप्रोटेस का ए बी बेस और हाइप्रोटेनिस की जब रेशियो ली जाए इन साइड्स की लेंथ की रेशियो ली जाए उसको क्या बोलते हैं बेटा कॉस थीटा ठीक है अच्छा नेक्स्ट बेटा थीटा क्या होता है जब परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड किया जाए बी सी ओवर ए सी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं टेंजेंट थीटा ये है तीन जो है बेटा ये जो तीन हमारे पास है ये द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक हैं अब इनका इन्वर्स भी यूज किया जाता है तो बेसिकली साइन का अगर इन्वर्स कर दीजिए वन ओवर साइन उसको बोलते हैं कोसिकेंड थीटा तो वो इन्वर्स होकर हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बन जाएगा जो कि इस ट्राइंगल के मुताबिक ए बी ओवर बी सी बनेगा कौस, कौ, 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 थीटा को

आपने बेटा बेटा ये 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 वाली वाली आपकी में में जो जो वो चंद सारी नोट कर चाहे बुक में नोट कर लेनी चाहे पे नोट कर लें ये कुछ की कि बहुत ज्यादा यूज होती है आगे जाके बहुत ज्यादा काम आएंगी आपके पास बेटा जो एंगल्स यहाँ पे गिवन है वो है जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी नाइनटी वन टी वन फाइव ठीक है अब इनके अगेंस्ट साइन थीटा की जो वैल्यूज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ साइन जीरो जीरो होता है साइन थर्टी जीरो पॉइंट फाइव होता है जिसको जिसको रूट भी लिखते हैं साइन सिक्सटी जीरो पॉइंट एट सिक्स है जिसको थ्री इंडो रूट ओवर टू भी लिखते हैं साइन नाइनटी वन होता है साइन वन टी अगेन जो होता है बेटा थ्री इंडो रूट ओवर टू होता है याद रखो जो साइन नाइनटी तक वैल्यूज हैं ये एक दूसरे से जो आगे वाली वैल्यूज हैं वो इन वैल्यूज़ का मिरर इमेज है ना अब ऐसे कर लो ये मिरर इमेज है ठीक तो मतलब है वो वन थर्टी फाइव है जो साइन थर्टी है वही साइन वन फिफ्टी है जो साइन जीरो है वही साइन वन एटी है, है वही चीज बेटा कॉज के साथ चीज टेंजेंट के साथ है, लेकिन बस सिंबल जो है वो ऑपोजिट है अब सिम्बल्सोजिट को है, ये भी बेटा मैं पे बताता हूँ ठीक है

कॉज 150 फिफ्टी कॉज वन जो है बेटा ये कॉज 30 का उलट है ये है पॉइंट जीरो पॉइंट एट डबल सिक्स तो ये माइनस जीरो पॉइंट एट डबल सिक्स हो गया और ये थ्री हंड्रेड रूट ओवर टू था तो माइनस थ्री हंड्रेड टू हो गया अब वन एटी है कॉज वन एटी जो कॉज जीरो का उलट है लेकिन साइन है वन एंड ये माइनस वन सिमिलरली बेटा आगे टेंजेंट के लिए टेंजेंट जीरो जीरो होता है टेंजेंट थर्टी पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव सेवन सेवन है या वन ओवर थ्री हंड्रेड रूट टेंजेंट 45 वन टेंजेंट 61.732 थ्री या थ्री अंडर रूट नाइनटी टाइनटी वन ओवर जीरो या इन्फिनिट होता है टेंजेंट 120 डिग्री होता है इसका उलट है वो वो सिक्सटी का उलट है माइनस वन या फिर माइनस थ्री अंडर रूट वन थर्टी एंगल फोर्टी डिग्री का उलट है वन है तो ये माइनस वन और अगर आगे देखो बेटा टेंजेंट 150 फिफ्टी एंगल 30 डिग्री का उलट है यहाँ पे पॉइंट फाइव सेवन सेवन था यहाँ पे जीरो पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट फाइव सेवन सेवन है या माइनस वन ओवर थ्री अंडर रूट है और टेंजेंट जीरो जो था वो जीरो था टेंजेंट वन एटी भी जीरो है अब बेटा इधर एक छोटी सी बात है एंड पे वो आप समझ लें अब होता क्या है बेटा ये मेरे पास जीरो डिग्री है यहाँ पे नाइन्टी डिग्री ये वन एटी डिग्री और ये टू सेवेंटी डिग्री और जीरो या फिर इसको थ्री सिक्सटी डिग्री भी बोलते हैं ये चार क्वार होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन काज और टेंजेंट तीनों पॉजिटिव होते हैं ठीक है सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वार्टर में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव पॉजिटिव होता है बाकी जो है साइन और कॉज नेगेटिव होते हैं इस क्वारंट में बेटा फोर्थ क्वारंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है बाकी सब जो होते हैं वो नेगेटिव बाकी जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं इसलिए बेटा जो अब यहाँ पे गौर करो एंगल आपके शुरू हो रहे हैं जीरो से लेके वन एटी तक मैंने वैल्यूज नहीं है जीरो से नाइनटी तक फर्स्ट क्वार था तो तीनों वैल्यूज पॉजिटिव थी।, थी ठीक है ना इसलिए नाइन्टी डिग्री तक आप देख लो सारी वैल्यूज क्या है पॉजिटिव है ठीक है लेकिन सेकेंड क्वार होते साइन की वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती हैं टेंजेंट की भी नेगेटिव है कोटेंजेंट की भी नेगेटिव है तो इसलिए आप बेटा यहाँ देख सकते हैं साइन की जो है वैल्यूज नाइनटी से आगे भी पॉजिटिव हैं लेकिन कॉज की वैल्यूज नाइन्टी से आगे नेगेटिव हो जाती हैं और टेंज की जो वैल्यूज हैं वो भी नाइनटी से आगे नेगेटिव हो जाती हैं ठीक हो गया अच्छा बेटा नेक्स्ट जो ये वैल्यूज हैं ये इनके इन्वर्स क्यों है इधर देखो बेटा आपका इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है आपने बेटा 180 में से ये जो माइनस करते जाओगे तो जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज आपस में मैच करेंगी ठीक है इसका मतलब है 180 एटी माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो ठीक वन एटी और जीरो की मतलब सेम है वन एटी माइनस थर्टी क्या बनता है वन फिफ्टी इसका मतलब 180 और जो वन फिफ्टी की वैल्यूज हैं वो मैच करेंगी ठीक है वो, वो सेम होगी वन एटी माइनस फोर्टी फाइव टू वन थर्टी फाइव ठीक है इसका मतलब फोर्टी फाइव मतलब फोर्टी फाइव और वन थर्टी फाइव की वैल्यूज मैच करेंगी यहाँ पर थर्टी और वन फिफ्टी की वैल्यूज मैच करेंगी वन एटी माइनस सिक्सटी वन ट्वेंटी इसका मतलब सिक्सटी और वन ट्वेंटी की वैल्यूज मैच करेंगी ठीक है ना इस तरह से बेटा आपको पता चलता है कि वैल्यूज कौन कौन सी मैच करेंगी ये तो होगी ना कॉमन वैल्यूज होगी आप बेटा खुद से भी कर सकते हो 90 जो वो जो है वो एक्सिस के ऊपर है तो 90 की जो वैल्यूज हैं वो वो रिपीट नहीं होती ठीक है थीके? 90 की वैल्यू जो रिपीट होती हैं वो 270 के साथ रिपीट होती हैं 180 की वैल्यू जीरो के साथ रिपीट होती हैं ठीक है थीके? आप बेटा ये खुद से भी करके देख सकते हैं आप रैंडमली भी करोगे बेटा फॉर एग्जांपल 180 एटी माइनस टेन डिग्री करोगे तो आंसर मतलब 170 डिग्री तो आप खुद करके देखना कैलकुलेटर से तो कि 10 डिग्री और 170 डिग्री की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मैच करेंगी ठीक है